हेलो गाइस, तो हम खेल रहे हैं असैसिन क्रीड वैलहेला का जो एक मिशन है, फॉरगॉटन सागा। तो ये गाइस, इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले अगर इसको बीट करना है आपको, तो ये वाला जो आर्मर है डार्विन डिफेंडर, ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें जो हेल्थ रहती है वो हमारी वापस आ जाती है, जैसे ही हम एनिमी को हिट करते हैं तो वापस आ जाती है। तो मैंने इसको अनलॉक कर लिया है और पूरा अपग्रेड है पूरा। एंड तो हम ये शुरू करते हैं, ठीक है, ये वाला रन। एंड इसमें क्या होता है, अगर हम बीच में मर गए तो जो हमारे मतलब गेम शुरू से स्टार्ट हो जाएगा। तो मरना नहीं है, जितने भी स्टेज हैं सारे एक साथ पार करना है, ठीक है। तो ये जो वेपन है, मैंने बाय मतलब जो मोशन है वो रिकवर कर रहा है, देखो यहाँ पे रिकवर लिख के आ रहा है ना, रिकवर्ड किया हुआ है, ठीक है। और ये मेरा आर्मर है और ये शील्ड थी, ठीक है, अभी वेपन्स वगैरह। और एक ये जो एबिलिटी है वो भी रिकवर करी हुई है, ठीक है। तो गाइस चलो ये वाला रन स्टार्ट करते हैं एंड पूरे एंड तक जाएंगे। ये है फॉरगॉटन सागा, असैसिन्स क्रीड वैलहेला, असैसिन्स क्रीड वैलहेला। ओके ओके, असैसिन्स क्रीड वैलहेला। द फॉरगॉटन सागा, इसमें जो यार इसका ओडिन का जो लड़का रहता है होल्डर, राइट, उसको बचाने के लिए जा रहे हैं। हेल जो है उसने किडनैप कर लिया है, या मतलब वो अपनी मर्जी से गया है या किडनैप किया है, ये तो पता चलेगा जब स्टोरी एंड होगी। तो इनमें बीच बीच में ये जो आते हैं ना हेल्थ वगैरह, इनसे मतलब हेल्प मिल जाती है काफ़ी, ठीक है। ये एबिलिटी है और यहाँ पे वेपन है, तो हमें क्या चुनना है, एबिलिटी या वेपन, क्योंकि हम जितने भी चुनेंगे तो लेजेंडरी चेस्ट होगी। तो आई थिंक पहले हमें वेपन चाहिए एक। मज़ा आता है इसको खेलने में यार। इसमें बाई बाई डिफ़ॉल्ट ही मिलते हैं शुरू में वेपन्स, ठीक है। शुरू में तो आपके पास बहुत ही बेकार होंगे, मतलब मैंने तो अपग्रेड कर रखा है ना, इस वजह से मुझे थोड़े अच्छे मतलब शरीर को। मैंने यहाँ पे एक जो पोशन है वो पी रखा था, इसकी वजह से मुझे यहाँ पे लेजेंडरी चेस्ट मिल रही है, मतलब लेजेंडरी वेपन मिलेंगे जो भी मैं खोलूँगा, ठीक है। अब मैं इसको ले लूँ या किसको लूँ यार, मुझे चाहिए यार ये हैमर, मतलब फास्ट जो जल्दी तेज काम करे वही चाहिए। तो हैमर ले लिया मैंने, अभी ये निकलेंगे। समझे कितना खतरनाक मारा, और यार एक तो ये हैमर छोटा होता है ना, तो बहुत पास जाके मारना पड़ता है। यहाँ पे हेल्थ मिल जाएगी, आगे नेक्स्ट और वेपन मिल जाएगा। वी आर अनलिमिटेड भाई, कोई नहीं हरा पाएगा यार। एक जो वेपन रहता है ना वो चैन टाइप का यार, वो सबसे मस्त रहता है वो भाई, उससे यार क्या ये बंदे मरते हैं, बहुत जल्दी मरते हैं यार, सॉरी एनिमीज, बंदे तो यार पबजी में बोलते हैं। यहाँ पे यार अच्छा वेपन मिल जाएगा,
क्या शॉट मारा ना भाई उड़ के स्लो मोशन में। आ जाना साले, क्या भाई ऊपर क्या आ रहे थे, छुपे क्यों नहीं सालो, आ जाओ ना पास में। साले ऊपर चढ़े हैं बहन चोर, इधर आना बहन छोड़ो, ऊपर जाके ही मानना पड़ेगा यार। ले मैं आ गया ऊपर, तेरी तो फट रही थी आने में, छूट गया। ओके ये वाली ले लेंगे, स्वॉर्ड ले लेते हैं यार, इसको दूसरे हैंड में लेते हैं ठीक है। ओके ये भी सही है, मेन हैंड में ये स्वॉर्ड है और ये सेकंड हैंड में, ये मस्त बिल्डअप है यार, बढ़िया है, ये भी सही है। मेमोरीज तो यार बहुत हैं अपने पास, अब आएगा भाई साहब मज़ा। क्या पहले हेल्थ ले लेते हैं फिर चलते हैं ठीक है, इसको मार के आते हैं यहाँ वापस आऊँगा। अरे नहीं 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 वापस नहीं जा सकते, पहले यहीं पे जाना पड़ेगा यार, यहाँ पे ही चलते हैं फिर, यहाँ पे गाइस मैंने आर्मर जो वगैरह है ना इनकी लोकेशंस वो कहाँ पे क्या मिलता है। वैसे चार आर्मर तो आपको जो डिफीट रहते हैं जो स्टेज के लास्ट में जो बॉस आता है उसको हराने से ही मिल जाएंगे, बाकी जो दो आर्मर है उनकी लोकेशन देख लेना आप यूट्यूब पे। छुप जाते हो सालो, इधर क्या था यार, मिला गया इधर से, यही बिल्डअप मैंने सेम अपने उसमें भी कर रखा है, एक स्वॉर्ड वाला और ये हैमर। यहाँ पे रियून्स मिलेंगे लेजेंडरी, अरे ये कहाँ चला गया, अच्छा उसके पास है। सारे रियून्स हैं जो लेजेंडरी वेपन्स वगैरह सब कुछ लेजेंडरी मिल रहा है भाई, वो क्योंकि हमने स्टार्टिंग में एक जो पोशन है ना उसको ख़रीद लिया था, मेमोरीज वगैरह मेमोरीज होती है ना उससे स्वॉप कर सकते हैं, वो तो स्टार्टिंग में जो था ना एक, अभी हेल्थ इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे अपन, इससे अपनी हेल्थ फुल हो जाती ठीक है। अरे यार
यहाँ पे फिर से चढ़ना पड़ेगा यार। अच्छा इसको लेने से आ जाएगा। हाँ हाँ ये सही है, ये वाली एबिलिटी अच्छी लगती है यार, इसको खरीद लेते हैं। सही है यार ये वाली एबिलिटी। अब मुझे ऊपर से जाना पड़ेगा यार, क्योंकि वो मैंने एक बार में नहीं मार पाया ना इसलिए। हेल्थ फुल क्यों नहीं हो रही यार? हो जाती है यार गाइस, जैसे मैं बंदे को मारता हूँ हो जाती है, बट होती हो रही क्यों नहीं रही? इसमें नहीं हो रही बस, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बट ये वाला जो आर्मर है वो काफ़ी हेल्प करता है गाइस। अगर आपको फॉरगॉटन सागा बीट करना है तो ये जो आर्मर है इम्पोर्टेंट, ये वाला, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला डार्विन डिफेंडर, समझ रहे हैं? ये बहुत बढ़िया आर्मर है, इसके बिना भाई साहब बहुत मुश्किल आएगी आपको। अगर ये आपने जल्दी अनलॉक कर लिया तो भाई साहब आपकी जो हेल्थ है ना वो मरते मरते, क्योंकि इसमें मेन हेल्थ ज़रूरी है, अगर आपकी हेल्थ गई तो पूरा गेम रिस्टार्ट हो जाएगा शुरू से, तो बस हेल्थ नहीं खोने देनी है बस। यहाँ पे लेजेंडरी वेपन्स मिलते हैं, ठीक है, लेजेंडरी हंटर वो नहीं चाहिए भाई साहब, ड्यून दे दो। ये क्या बहन चो, ये क्या नौटंकी हो गई, ये क्या है यार? यार धोखा हो गया भाई साहब। Show me. मैंने कुछ और सोचा था यार, हो कुछ और ही है। कॉइन वगैरह रीसेट हो जाते हैं यार। मेरे साथ धोखा हो गया यार गाइस, क्योंकि यहाँ पे देखो मेमोरीज तो हैं पूरे, ठीक है, यहाँ पे ये भी हैं, पर मेरे पास कॉइन्स बहुत सारे थे, इसमें रीसेट हो जाते हैं, हर गेम में कॉइन्स रीसेट हो गए, यही वाला धोखा हो गया मेरे साथ। यार ड्रीम्स और मेमोरीज तो हैं मेरे पास, ये जेम्स चाहिए थे यार। ये कैसे यार जेम्स, जेम्स तो मेरे पास बहुत थे यार, ये कैसे हट गए? दिस इज नॉट फेयर। आई विल डी अपग्रेड और हेल्थ अपग्रेड कर ली। चलो भैया निकलते हैं यहाँ से, चलते हैं आगे। यहाँ पे आएगा बॉस,
पूरा लास्ट का बॉस नहीं, फर्स्ट स्टेज का बॉस। इसमें टोटल 4 स्टेज हैं। कभी कभी ये आइस वाला आता है, ये आग वाला बहुत खतरनाक है यार। लेकिन ये मुझे हरा नहीं पाएगा, वो इसलिए नहीं हरा पाएगा क्योंकि मेरे पास वरदान है, वरदान है वापस आने का। भैया क्या हो गया, जब भाई जब आप थ्रू में आओगे ना बहुत दिक्कत आएगी इसको हराने में, क्योंकि ना तो आपके पास आर्मर अच्छा होगा ना ही वेपन्स अच्छे होंगे। तो मैं ये फोर्थ रन खेल रहा हूँ, फोर्थ या फिफ्थ रन है मेरा, इस वजह से काफ़ी इजी पड़ रहा है मुझे। पर अच्छे वेपन्स और अच्छे अगर आप चूज़ करोगे तो हो जाएगा। बट ये आर्मर अगर आपको बीट करना है पूरा गेम तो ये वाला आर्मर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डार्विन डिफेंडर। अभी फर्स्ट स्टेज क्लियर हुआ है, अभी 2 या 3 स्टेज और बची हैं, अभी 3 बॉसेस को ख़त्म और करना है। लास्ट में हेल आती है, हेल जो कि मेन विलन है, जिसने इसके ऑर्डिन के बेटे को किडनैप कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हर चैप्टर में एक हर स्टेज में मतलब मिशन भी होते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे छोटे वो मैं ऑल क्लियर कर रखा हूँ मैंने, तो जब आप खेलोगे तो बीच बीच में ऐसे बात करोगे ना इनसे, ये जो NCP वगैरह मिलते हैं, जैसे ये अभी काम कर रहा है तो पहले नहीं कर रहा था, शुरू में यहाँ पे कब्जा रहता है, एनिमीज का कब्जा रहता है यहाँ पे, तो उनसे मतलब इनको आज़ाद कराना पड़ता है। फिर ये अपन को रिवार्ड वगैरह देते हैं कुछ, मतलब जो मेमोरीज स्क्रॉल्स वगैरह है ना, ये परमानेंट फ्लेवर वो अनलॉक हो जाते हैं। लड़ना नहीं है क्योंकि अपन को इसलिए नहीं लड़ना ना, क्योंकि अपने पास वरदान है भाई साहब, इसलिए नहीं डरते अपन, हेल्थ वापस आने का वरदान, समझ रहे। अभी अपन को एंडरलाइन स्लॉट चाहिए, एबिलिटी अपग्रेड करनी है, अपन एक कुछ चूज कर सकते हैं, एक स्लॉट खरीद लेते हैं। ठीक है, टोटल यहाँ पे 4 स्लॉट हो जाते हैं, वेपन अपग्रेड कर लेंगे यहाँ पे। यहाँ पे वेपन अपग्रेड करेंगे, अपने स्वॉर्ड अपग्रेड कर लेते हैं यार, सीधी सी बात है, स्वॉर्ड अपग्रेड करेंगे। नीचे वाली है ना,
इसको मार दूंगा तो सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। जो मेन है ना, अगर उसको मार दो तो सारे खत्म हो जाते हैं। और गटन सागा, मजा आ गया भाई जब इस गेम में। ओ भाई साहब ये यार कितने बड़े हथौड़े से मारेगा, तो ये बात तो है कि मैं गिरूंगा तो गिरूं, लेकिन हेल्पफुल हो गई भाई साहब अपनी, वरदान है अपने पास वापस जिंदा होने का, इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ी अपन को तो यार। हेल्थ अपनी वैसे ही फुल है, नहीं तो अपन यहाँ से भी हेल्थ ले सकते थे। ये जो हिरन मिलती है ना अपने पास है फुल, मेन इसमें भाई हेल्थ है। अगर अपनी हेल्थ चली गई ना एक बार तो अगर मर गए तो पूरा गेम स्टार्ट है। इसमें सेम मैप नहीं होता, पूरा स्मूथ से आ जाएगा जहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। इस वजह से इसमें ये वाला आर्मर काफ़ी हेल्प करता है, इसमें वापस हेल्थ फुल होती रहती है अपनी, समझ रहे। यहाँ पे एबिलिटी अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। भाई यार रुको, चल क्यों नौटंकी है यार इसको। भाई साहब एबिलिटी अपग्रेड करेंगे, कौन सी वाली करें? ये वाली कर लेते हैं पहले, एक पूरी कर लेते हैं, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा वो। यहाँ पे अपन को वेपन अपग्रेड करना है, वेपन अपग्रेड पे चलते हैं भाई साहब। उधर आपको इनको र्यून मिल जाएगा एक आध, यहाँ पे वेपन अपग्रेड हो जाएगा अपना। वेपन्स इसमें तो ऑलरेडी 3 है, इसको कर लेते हैं मेन। ये तो 92 है यार। स्वॉर्ड यार इसमें बहुत कम है, हैमर में ज़्यादा कम है यार, हैमर काफ़ी पावरफुल है यार। भाई साहब ए यार क्या कर रहा है, पागल है क्या चूतिया साला।
इस वाले आर्मर के बिना पूरा गेम तो कंप्लीट नहीं किया मैंने, क्योंकि यार हेल्थ बहुत ज़रूरी है इसमें, इतनी क्योंकि अपन इतने खतरनाक एनिमी आते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि मरेंगे नहीं। चलते हैं गाइस, यहाँ पे जाते हैं पहले, यहाँ पे शॉपकीपर मिलता है, लेजेंडरी चेस्ट, लेजेंडरी वेपन्स खरीद सकते हैं। बस मतलब हमें यूँ इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि हमने फेवर, मतलब जो फेवर रहता है वो यूज़ कर रखा है, जेम्स से खरीद सकते हैं ना वो, इस वजह से जो भी चेस्ट हम खोल रहे हैं ना उसमें लेजेंडरी वेपन निकलना है। पूरा मेन पे बात करना, भाई ये जो है ना भाई साहब बहुत खतरनाक है यार, मैं इसके बारे में तुम्हें क्या बताऊं, ये वाला भाई साहब बहुत खतरनाक है, तुम सोच नहीं सकते कितना खतरनाक। बहुत जल्दी डैमेज होता है इससे, बहुत जल्दी मरते हैं एनिमीज। ये वाला वेपन सबसे बेहतरीन है मुझे तो। मैं जानता हूँ ना इसकी पावर, इसलिए मुझे ये वाला वेपन काफ़ी अच्छा लग रहा है यार। यहाँ पे देखते हैं खोल हो गई यार, अपग्रेड नहीं हुई लेकिन
यहाँ पे अगर सही से पढ़ के पिया जाए तो हेल्थ भी अपग्रेड हो जाती है। ठीक है, मेरी 400 तक पहुंच गई थी हेल्थ अपग्रेड होते होते। यहाँ पे मिला गया था यार, मुझे ऐसा लग रहा है अपना वेपन खराब कर लिया। अपनी स्वॉर्ड अच्छी थी यार वो वाली, ये वाली लाइट वाली नहीं है ना, ये बहुत तेज नहीं चल रही है ना। बस अंदर जाके फिर दूसरा वाला बॉस आएगा, उससे भी निपट लेंगे अपन, दिक्कत थोड़ी है। भाई साहब यहाँ पे आने वाला है खतरनाक बॉस, ये ज़्यादा शुरू में तो यार खतरनाक तो है, बस अपने पास पावर ना हो ना तो बहुत खतरनाक है यार। उस वाले से ही बात करनी भाई, इसको हम लोगों ने आज़ाद कराया ना तो ये खुश हो गया भाई हमसे।
weapons, armor. How will we hold on to our freedom if we cannot fight? We were shamed in life, but we find honor in death. Look at... इसके पास क्या है? ये वाला आप ही कर लेंगे यार, बस खराब ना हो जाए अपना। चलो ठीक है, यूज तो अपने पास सारे लेजेंडरी है। एरोस कम थे यार, यहाँ पे आएगा स्टेज टू का बॉस। हाँ ये सेकंड स्टेज है, इसमें टोटल 4 स्टेज हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ये स्टेज थर्ड है। यहाँ पे यार ये वाला आग से भुना हुआ आग से भुनाई हुआ तो है, गलत कौन सा कह रहा हूँ। कर दिया खत्म। वेपन्स है अपने पास इसलिए हो गया वो यार ये वाला, लेकिन ज़्यादा तेज नहीं चल रहा भाई सब, नहीं तो ये बहुत तेज चलता है। ये चैन वाला जो वेपन है ना, उससे बहुत फास्ट डैमेज होता है वो, इसकी वजह ये बहुत फास्ट घूमता है वो, बट ये वाला काफ़ी स्लो घूम रहा है यार, इसको मतलब पिकअप बनने में थोड़ा टाइम लग रहा है। द फॉरगॉटन सागा, भाई आज रेसिडेंट इविल 4 का रीमेक का जो डीएलसी का ट्रेलर आया एकदम मस्त है यार, रेसिडेंट इविल 4 रीमेक। कर लेंगे यार 400 तक अपग्रेड कर लेंगे हेल्थ अपनी, ज़्यादा टाइम ही लगाएंगे बस। अरे हाँ यार इससे मैंने कहा, यू वर सेंट फ्रॉम अबव नॉट सेंट, आई सर्व माय ओन पर्पस, वुड यू स्टे अ मोमेंट टू कट योर ट्रैवल टाइम, यू प्रॉमिस्ड मी स्विफ्टनेस वंस बिफोर दिस थिंग, आई डू नॉट हैव टाइम टू, आई डोंट एक्सपेक्ट अ मर्चेंट, आई हैव सेव्ड अप एंड व्हाई शी डजंट सर्व। ये लोग जो है ना, इनका टास्क रहता है इनको आज़ाद कराना पड़ता है भाई, तो ये हमें फ्लेवर्स वगैरह दे देते हैं अनलॉक करके, मतलब अनलॉक हो जाते हैं ऐसा। ये क्या कर रहा है? अच्छा ये अपनी मदद करता है, यहाँ पे फाइट लड़ेगा अपने साथ। I'm low on arrows myself. Yeah.
अबे यार ये वो कहाँ चला गया यार अपना दोस्त एवर। ये सही है यार ये वाली एबिलिटी। यार मुझे थोड़ी गड़बड़ लग गई, हैमर सही था यार। यहाँ पर न्यू वेपन्स यहाँ पे यार एक बहुत खतरनाक भेड़िया टाइप का आता है, उससे बहुत डर लगता है। आदि मानव साला इस वाले में वेपन अपग्रेड कर लेंगे यार।
भाग गया, भाग गया साला। बहुत ही जल्द इसके फाइनल बॉस तक भी पहुंच जाएंगे, पहुंचने ही वाले हैं। मतलब अरे यार वेंचर, अरे लफड़ा कर दिया, बंद करना पड़ेगा यार।